Hey guys, what's up? तो आप लोग कुछ ग्राफिटी इमेज टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो अपने पिक्सार्ट और लाइटरूम के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये जो फोटो मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंड पे चल रहा था, ये काफी लोग ने बोला कि इस पे एडिटिंग निकालो, तो मैंने इस पे निकाल लिए। तो ये फोटोग्राफ मैंने कर लिया पिक्सार्ट के अंदर और टचअप कर लिया ऑटोडेस्क के अंदर। तो अभी आ जाते हैं डायरेक्ट। तो ये है 4x5 का बैकग्राउंड, जहाँ पे हम लोग एम्प्टी लेयर लेके जो ऑब्वियसली हम लोग ऐड फोटो कर लेते हैं, यहाँ से ऐड फोटो कर लेंगे। और जो हम लोग ने कटिंग कर लिया था, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पिक्सार्ट से क्रॉप कर लिया और ऑटोडेस्क से अंदर मैंने सब टचअप कर लिया है। तो आप लोग इसके फेस और हेयर सब देख सकते हैं, ऑलरेडी एडिट था और मैंने उसको PNG में कट कर लिया। अगर आप लोग को कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप लोग को मेरे चैनल मिल जाएगा, एकदम सिंपली इजी तरीके से जो एडिटिंग है वो आप लोग भी काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। तो मैंने ये बैकग्राउंड जो एडिट लिया है ऐड करके, तो इसमें सीन क्या है, मैंने आधा लिया, यानी कि नीचे का जो पोर्शन है फ्लोर का वो वाला मैंने ले लिया है। तो इस ये ग्राफिटी हम लोग को चाहिए नहीं, एक्चुअली मेरे को इसका जो नीचे का जो जगह है वो वाला चाहिए था मेरे को, यानी कि रोड हो गया या आप स्ट्रीट टाइप का बोल सकते हो। तो ये वाला जो है मैं ले लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको क्रॉप कर दूँगा, यानी कि जो ग्राफिटी आप पीछे का जो वॉल देख सकते हो वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इरेज़ का टूल सेलेक्ट करके स्क्वायर में लेके यहाँ से फिल कर देता हूँ और उसको कुछ इस तरीके से मतलब टेढ़ा मेढ़ा हम लोग करके कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टर्न का ऑप्शन देख सकते हो, यानी कि रोटेट वाला 90 डिग्री वाला। तो हम लोग अपने हिसाब से जैसा आप लोग को चाहिए 360 डिग्री या 90 डिग्री, आप लोग आराम से इसमें से थोड़ा बहुत आप लोग टर्न करके आप लोग क्रॉप कर सकते हो। ये काफ़ी ईजी है, आप लोग का टाइमिंग भी सेफ हो जाएगा, आप लोग को मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को ब्रश घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा आप लोग ऐसे ही करके जितने भी ये सारे मैं रिमूव कर लेता पहले। तो ये सब आप लोग को ज़्यादा एडिटर लोग नहीं बताते, जैसे कि उन लोग यूज़ करते बट आप लोग को बताते नहीं, आप लोग को ज़्यादा लॉन्ग टर्म या ज़्यादा आप लोग को लॉन्ग तरीके से बताते, ताकि आप लोग मतलब ज़्यादा टाइम देखो सीखो। तो आप लोग इस तरीके से भी मतलब फोटो क्रॉप कर सकते हो। तो देखो एकदम नॉर्मली फोटो क्रॉप हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी हम लोग को। तो यहाँ से मैं और एक एम्प्टी लेयर ऐड करता हूँ, फिर ऐड फोटो कर लूँगा। और जो हम लोग को चाहिए था वो एलिफेंट वाली है, तो मैंने कॉन्सेप्ट एक्चुअली एलिफेंट के ऊपर भी निकालने का ट्राई था और मेरे को थोड़ा मतलब पोज जो जैसा मेरा फोटो था तो मेरे को उस हिसाब से रखना था, तो मैंने इस हिसाब से पहले मैं बैकग्राउंड की तरफ ले लेता हूँ, वैसे थोड़ा बड़ा कर लूँगा। तो आप लोग नीचे का भी जो स्ट्रीट वाला देख सकते हो वो भी ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा खींच के थोड़ा नीचे ले लेंगे। तो मैं जो है इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जैसे कि मतलब मैच हो जाए उस पर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत नीचे करके एकदम टचअप कर लेता, यहाँ पर डॉट डाल दिया मैंने, तो ये बैठ गया एकदम, ठीक है, एकदम प्रॉपर बैठ गया, जैसे कि मतलब दीवार है पीछे। अभी मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और इसको भी मर्ज कर लूँगा वाइट के साथ, और फिर एक एम्प्टी लेयर मैं नीचे ले लूँगा और यहाँ से ब्रश में चले जाऊँगा। ये जो डॉट वाला ब्रश आप लोग देख रहे हो, यहाँ से जो हार्डनेस है उसको जीरो कर देंगे हम लोग, और यहाँ से जो साइज़ है या ऑपेसिटी हम लोग ऑपेसिटी को रख लेते हैं थोड़ा 14 या 12 के बीच में, और जो साइज़ है हम लोग उसकी रखेंगे 31 या 30 के मतलब बीच में ही आप लोग रख लेना, और मतलब जितनी आप लोग की साइज़ रहेगी उस हिसाब से ही आप लोग कर लेना। तो मैं अभी चले जाता हूँ यहाँ से, जो है पहले मेरे को शेडो ऐड करना है, तो शेडो के लिए मैंने लिया था। तो आप उसमें ना हल्की हल्की पेंट करना, याद रखना जो आप लोग लेयर जो यूज़ करोगे एम्प्टी लेयर उस पर ही आप लोग शेडो पेंट करना, अलग से आप लोग बैकग्राउंड पर शेडो पेंट मत करना। अदरवाइज अगर आप लोग का अगर शेडो अगर ख़राब हो जाता है तो आप लोग को अंडू करने से अच्छा आप लोग डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली पेंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जो अंदर का पोर्शन है ना वहाँ पे आप लोग थोड़ा डार्क करना और साइड की तरफ से ऐसा मतलब लाइट पेंट करते हुए चले जाना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो वीडियो को देखो, थोड़ा समझो उसको कि कैसा क्या करना है, क्योंकि मैं जितने भी अभी आप लोग को एडिटिंग बता दो पूरा डिटेलिंग के हिसाब से बता दो, मैं जल्दी मतलब वीडियो को फास्ट नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग देखो समझो उसको, वरना बहुत सारे एडिटर्स लोग क्या करते हैं कि मतलब इतना फास्ट वीडियो दिखाते हैं कि मतलब फ़ोटो क्रॉप किया गया, कौन सा टूल यूज़ किया, कौन से लेयर से क्या फ़ोटो ऐड किया, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये वीडियो को ना पूरा देखो, देखोगे तभी समझोगे, अदरवाइज आप लोग ने खाली PNG कलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलेक्ट किया, बस आप लोग का ख़त्म हो जाता है वो चीज़। अगर आप लोग जानते हो प्रॉपर तरीके से एडिट करना तो आप लोग PNG कलेक्ट करो, अदरवाइज आप लोग पहले एडिटिंग को देखो फिर करो, क्योंकि मैंने जो एडिटिंग चैलेंज रखा है उसमें मेरे को मालूम पड़ रहा है कि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट जैसा पूरी तरीके से देखते नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ जाता है, मैं स्टूडियो में मेरे देख लेता हूँ कि मतलब कितने लोग कितना टाइम तक वॉच टाइम देख रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, एडिटिंग का पूरा देखो, स्टेप करो, या तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, मेरे को वॉच टाइम भी नहीं चाहिए, बट आप लोग सीखो कुछ चीज़ से। तो समझो, मैं अभी इसको जो है एक तरफ से मैंने पूरा शेडो ऐड कर लिया, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है ये थोड़ा लेफ्ट साइड से भी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि जो पैर का हिस्सा है वो मैंने उठा के रखा था,
तो यहाँ से मैं जो है नीचे की तरफ से और डार्क कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ से थोड़ा लाइट रख देंगे उसको, और यहाँ से जो है हल्का हल्का मैं पेंट करते हुए चले जाता हूँ। अब जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन मैं भर दूंगा पूरा, और ये जो जूते का पोर्शन है ये भी मैं पूरा भर देता हूँ पूरा, यानी कि थोड़ा डार्क कर देंगे हम लोग, ताकि जो लगे कि मतलब वॉल के ऊपर रखा था मैंने पैर, और उसके वजह से जो है शेडो काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि मेरा जो ये पेंट है वो काफ़ी आगे की तरफ चले गया, तो उसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, यानी कि अंडू कर लेता हूँ उसको, काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है तो उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। और यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा हल्का हल्का करके पेंट कर लेता हूँ, ताकि जो एडिटिंग है वो काफ़ी अच्छी लगने लगे। तो यहाँ से देखो मैंने इसको पेंट कर लिया है, और जो इस तरफ से जो शेडो है, इस तरफ की शेडो को भी मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का हम लोग ने शेडो ऐड नहीं किया। तो आप लोग शेडो ऐड करते टाइम पे ये ध्यान रखो कि आप लोग कौन से तरफ रिफ्लेक्टिंग या जो भी आप लोग का इफेक्ट है आप लोग यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से आप लोग शेडो बनाना। अगर आप लोग राइट की तरफ शेडो बना रहे हो तो वो राइट की तरफ रहना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी दीवार है, तो दीवार के हिसाब से मैंने ये जो ये शेडो है ये मैंने पूरा बना लिया है, तो समझो मैंने उस तरफ चिटका हुआ था, इसके वजह से मैंने वो लेफ्ट के साइड का बनाया मैंने। अब राइट के साइड का जो शेडो है वो आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने ऐड कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज करने के बाद इसको भी हम लोग मर्ज कर लेंगे, और यहाँ से जो है एक एम्प्टी लेयर ले लेते हैं, फिर यहाँ से ऐड फोटो कर लेंगे। और जो वाइट वाला आपको लेंस फ्लेयर है वो आप लोग को मिल जाएगा पीएनजी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से जो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यानी कि पिंच कर लेता हूँ, और यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है तो उसको हम लोग ब्लेंड करके ना स्क्रीन में कर लेंगे, ताकि जो व्हाइट कलर की जो लेंस फ्लेयर की इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छी लगे आपके टी शर्ट पे, या आप लोग के जो वॉल है उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने इस पर टैप कर दिया है, और ये जो व्हाइट कलर की इफेक्ट है आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ से चढ़ गया है ये। तो इसको भी हम लोग यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ से थ्री डॉट सेव इमेज कर लेंगे, और चले जाते हैं डायरेक्ट गैलरी में। तो गैलरी में आप लोग देख सकते हो कि जो फोटो है एडिटिंग है काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको अभी हम लोग करने वाले कलर ग्रेड लाइट रूम में, तो अभी हम लोग लाइट रूम में इसको शेयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाइट रूम में शेयर कर लिया है, और यहाँ से हम लोग इफेक्ट में चले जाएंगे। अगर आप लोग को ऑटो चाहिए तो आप लोग ऑटो भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी आप लोगों को कभी कभी हेल्प हो जाएगी उसमें। तो अभी यहाँ पे इफेक्ट में चले गया, और यहाँ पे जितने भी प्रोफाइल्स है, यानी कि मैं यहाँ पे सब मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा क्या अच्छा है। यहाँ पे आर्टिस्टिक 4 भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं आर्टिस्टिक 4 रख लेता हूँ, और उसको थोड़ा मैं मतलब पीछे की तरफ कर लूँगा, यानी कि 60 कर लूँगा। तो ज़्यादा इफेक्ट आप लोग को कलरफुल उतना करना भी नहीं, क्योंकि आप पीछे ऑलरेडी देख सकते हो कि जो वॉल है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। शेडो को मैं थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ताकि जो उसका जो पीछे का हम लोग ने जो शेडो ऐड किया था वो भी थोड़ा मतलब वाइटिश लगे और थोड़ा मतलब हाईलाइट हो जाए वो। और यहाँ से मैं जो ब्लू टोन है वो ब्लू टोन को जो उसको ह्यू को थोड़ा मैं माइनस में कर लेता हूँ, ताकि जो ब्लू है वो काफ़ी अच्छा लगे। और यहाँ से जो रेड वाला है उसको मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा, यानी कि लुमिनेंस को मैं बढ़ा लूँगा, ताकि जो शूज़ है ज़्यादा मतलब डार्क रेड ना लगे। और विग्नेट को मैं थोड़ा सा 24 तक का कर लेता हूँ, ताकि जो ज़्यादा हो जाए मतलब डार्क लगे हल्का हल्का। तो उसमें जो हम लोग की जो जूते की शेडो वो थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी, और जो शार्पनिंग है उसको आप लोग 40 से 30 के बीच में रख लेना। और यहाँ से रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं अभी सेव इमेज कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग एक बार रिव्यू देख लेंगे फोटो का कि कैसी बनी है। तो आप लोग फोटो देख सकते हो, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आओगी। अगर वीडियो समझ में आओगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।